आज सावन का पहला सोमवार सभी को शुभकामनाएं, शुभ मंगल में। कारगिल दिवस शहीदों को नमन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। कोरोना के क्षेत्र में आज भी हम राहत के साथ हैं। कुल 6 मामले मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं। 11 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए हैं। 142 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे। जैसा हमने पूर्व में कहा था कि 70,000 के आसपास हम सैंपल रोज लेंगे और कोरोना के फन को कुचलते रहेंगे। कल भी 71,661 हमने सैंपल मध्य प्रदेश में लिए। संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 0.008% रह गई और ठीक होने की दर हमारी 98.6 आज भी बनी हुई है। रोज गाड़ रहे हैं और रोज टांग रहे हैं, अब उन्हें तो दिखेगा नहीं नसाब। होता है कईयों को नहीं दिखता दिन में, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनको मैं कह रहा हूं ना कि ये सब चीजें पता चलेंगी ही नहीं। ये पूरी सरकार का ही पता नहीं चला तो अरुण यादव जी का कहां से पता चलेगा। अब इनकी दो ही सरकारें कुल बची हैं। छत्तीसगढ़ का आप देख ही रहे होंगे, कौन कौन से बाबा बना दिया उनने उनको। ये आंतरिक कलह है कांग्रेस की, दो जगह बची है बहुमत की सरकार, दोनों जगह कलह की स्थिति है। उधर नवजात सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, और इधर उप मुख्यमंत्री बाबा साहब, दोनों प्रदेशों की आप हालत देख लो। ये कांग्रेस तो कबीलों की तरह लड़ाई जो होती है, हालांकि उनका आंतरिक मामला है, हमें उसमें कुछ कहना नहीं है। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के यहां, एक के यहां से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था, तो यहां से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है। लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कवलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंध। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छांट छांट के चुन चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे।